सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ही दो ही स्टेप का खेल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको आधा मोड़ देंगे बराबर, मतलब लंबाई वाली भुजा लंबाई के ऊपर रख देंगे, तो उससे क्या होगा, कागज दो भागों में बढ़ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बीच की लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी है, तो मैं चित्र के माध्यम से फिर दिखा देता हूँ, दिस लाइन दिस फोल्ड इज एक्चुअली द Then what we will do is we will take this base, pick it up and fold it such that this corner, when I say this corner, let me mark this corner. The corner lies on the perpendicular bisector. तो ये कैसे भी मोड़ सकते थे, आप ऐसे भी मोड़ सकते थे, ऐसे कर देते तो भी हो जाता, नहीं, ये जो फोल्ड है ये फोल्ड कागज के कॉर्नर से जाना चाहिए, तो ये गलत है, आपको ऐसे मोड़ना है, ऐसी जगह रखना है ताकि ये वाला पॉइंट तो बाइसेक्टर पर है लेकिन दूसरा जो फोल्ड जा रहा है वो कागज के कॉर्नर से जाए, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अभी अभी क्या दिखा कि ये पॉइंट तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ये वाला पॉइंट, ये बेस उठाकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रख दिया, फोल्ड कॉर्नर से चला गया, बस हमें अपना पॉइंट मिल गया है, एंड अवर पॉइंट इज दिस पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट को यदि हम दोनों साइड से जोड़ देंगे, इस वाले पॉइंट को एक तो डायरेक्टली ऐसे ही जोड़ सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन खींची, और दूसरा वाला ये वाले पॉइंट से सेम लाइन, and this becomes my equilateral triangle. Why? Because I just sort of explained that these two sides are base and these sides are same because ek ke upar ek rakha aur usse ye point aa gaya aur ye dono sides isliye same hai kyunki the point lies on the perpendicular bisector aur isse SAS property wagera sab theek hai ji। बहुत बढ़िया, चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली लास्ट चीज, इसमें हम यही काम स्क्वायर में करेंगे, स्क्वायर तो सभी लोग काट पाते हैं जनरली, सो प्लीज मेक श्योर यू कट योर स्क्वायर्स। ओके, ये मैंने काट दिया अपना स्क्वायर, मेरे पास एक स्क्वायर आ गया, अब हमें यही काम स्क्वायर में करना है, वी हैव टू मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ स्क्वायर, सो वी कैन डू द सेम थिंग, आप लोग वही काम दोबारा कर सकते हैं, बीच में आधा मोड़ दिया, ऑलराइट, फिर से ये लाइन को हमने लाल रंग से दिखा दिया, दिस इज द लाइन विच डिवाइड द स्क्वायर इन टू इक्वल पार्ट्स 90 डिग्री, मतलब दो रेक्टेंगल में बांध दिया, तो आप ये भी कर सकते थे कि ये बेस उठाया और फिर से ऐसे रख दिया, बट हम कुछ और करेंगे इस बार, इस बार हम क्या करेंगे, ये साइड्स हैं जो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों को उठाएंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे कि ये वाला ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बीच की लाइन पर आए, ठीक है, इस पॉइंट को उठाकर यहां पर ले आए, पीछे से भी मार्क कर दें ताकि दिख जाए, ये वाला पॉइंट उठाकर बीच की लाइन पर ले आए, कैसे भी नहीं, ताकि ये जो दूसरा वाला फोल्ड है ये कॉर्नर से जाना चाहिए, इस कॉर्नर से, तो इसको थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, लगभग ऐसे, यस, आपको अंदाजे से करना पड़ेगा ताकि, हाँ अब आ गया बिल्कुल ठीक, सो नाउ दिस फोल्ड इज सच दैट my side comes right here, and similarly I can do by symmetry, I can bring this other side right here, ye sabhi log kar le bhai saath mein, aur again this has to pass through the corner,
ये साइड भी हमने एंड व्हाट आई क्लेम अगेन इज दिस ट्राइंगल दैट यू सी इन द मिडल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. कैन समबडी क्विकली टेल मी व्हाई इज दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल? प्रूफ दैट दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. Yes, sir. We have taken this, the length of the side. The side of the square. By paper folding. बहुत बढ़िया. आई थिंक शायद आप लोग यही कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई बहुत साफ दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है. स्क्वायर की चार साइड्स बराबर होती हैं बिकॉज दैट इज माय डेफिनेशन. उसमें से तीन साइड्स को यूज कर लिया हमने तो अगर चार बराबर होंगी तो तीन भी बराबर होगा. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बिकॉज इसके ऊपर रखा था. सिमिलरली दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बिकॉज इसको इसके ऊपर रखा था. तो ये दोनों साइड्स बराबर हो गई और ये वाली साइड तो इनके बराबर है स्क्वायर की साइड्स हैं इसलिए तीनों साइड भी बराबर होंगे. Okay, so that's why this angle must be 60 degree. ऐसे मुड़ा हुआ है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 15 होना चाहिए. तो अब कोई ये बता दे कि ये ऊपर जो हमने एक छोटा सा ये बन गया ये कितना होना चाहिए? ये वाला ये वाले कोण 90 हैं. क्यों 90 है? क्योंकि ये स्क्वायर के कोने हैं. ये वाला जो कोना है ये यहाँ के बैठ गया तो ये 90 है. ये भी 90. दिस इज 90, दिस इज 60, दिस मस्ट बी 120. दिस टू आर टू आर इक्वल. सो ये कितने होने चाहिए? 20 और सी 15 है, ये भी 15 है. इसी तरह से आप स्क्वायर में अलग अलग तरीके की खूब सारी और ये बीच में से एक ये जो लाइन गई थी ना ये तो स्क्वायर में दो भागों में बांट रही है और ये हमारा 15 है. तो आपको घर जाकर ये एंगल ढूंढ के लाना है. आज का नया सवाल है, हमें भी नहीं पता क्या है. सो दिस वी फोल्ड द फर्स्ट फोल्ड दैट वी मेक. इफ वी एक्सटेंड दिस लाइन एंड इफ वी डू दिस व्हिच इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ये दो लाइन जहां पर कट रही है ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? इस तरह से देखिए मजेदार चीज क्या करी. छोटी सी चीज ली हमने, कागज में कुछ 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 करा और उससे क्या मजेदार चीजें कर पा रहे हैं अलग अलग. तो बच्चों के सामने ये एक अच्छी पहेली भी हो जाती है और एक्सप्लोरेशन विच इज अ बिग पार्ट ऑफ मैथ दैट कम्स अलाइव. राइट, यू जस्ट गिव अ पीस ऑफ पेपर एंड लेट चिल्ड्रन एक्सप्लोर. आई मीन यू ऑल्सो एक्सप्लोर ऑफ कोर्स. नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज अगेन इन दिस स्क्वायर द इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट आई हैव मेड its side is equal to the side of the square, right? Na square ki side hai kafi kaata piti kar di but iski ye jo side hai ye wali aur ye wali aur ye, these are all sides of the square, right? The question is, and this is the also the homework, make a equilateral triangle in this square whose side is bigger than the side of the square. पहले तो बताइए हो सकता है कि नहीं एंड देन शो मी द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ स्क्वायर.